सुरक्षित रखने में पेड़ पौधों का अहम योगदान होता है। इसी बात का संदेश लेकर बनारस के एक इंस्पेक्टर पुलिस थाने के अलावा सार्वजनिक स्थलों पर भी पेड़ पौधे लगा रहे हैं, जिससे पेड़ पौधे जीवनदायिनी ऑक्सीजन दे सके और सुरक्षित रह सके। जी हां, दरअसल वाराणसी के चौक थाने पर तैनात इंस्पेक्टर डॉक्टर आशुतोष तिवारी ने पिछले कई वर्षों से हजारों पौधे रोपित किए हैं। इंस्पेक्टर साहब खुद रोज सुबह शाम थाने परिसर में लगे पेड़ पौधों की देखभाल एक वैद्य के रूप में करते रहते हैं। वह पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखने के लिए जिस थाने पर उनकी तैनाती होती है वहां पौधे लगाते आ रहे हैं। इसके साथ ही लोगों को भी पेड़ पौधों की सुरक्षा करने के लिए अपील करते रहते हैं। डॉक्टर तिवारी का कहना है कि पेड़ पौधों की कमी से ऑक्सीजन की कमी होती चली जाएगी, जिससे जीना दूभर हो जाएगा। ऐसे में पेड़ पौधे जीवन को बचाते ही नहीं है अपितु पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने में एक अहम भूमिका अदा करते हैं। अगर पेड़ पौधे कम हो जाएंगे तो पक्षियों का आश्रय स्थल भी कम होता चला जाएगा। देखिए, पर्यावरण वो हर चीज पर्यावरण के अंतर्गत आता है, जिसको हमारे आसपास घेरा बनाए हुए है और जिसके बीच हमारा जीवन है। वो प्रकृति तो माँ, सबसे बड़ी माँ है, जो धरती माता प्रकृति माता के आगोश में जो श्वास जल पुष्प फूल पौधे फल फूल अन्न जो भी हमें प्राप्त हो रहा है वो पर्यावरण से प्राप्त हो रहा है। तो पर्यावरण तो हमारे जीवन का मूलभूत अंग है, और ये कहिए कि पर्यावरण से ही हम हैं। यदि हम उसी से हैं तो हम यदि उसका ख्याल नहीं करेंगे तो फिर हम कहाँ टिकेंगे। तो पर्यावरण का तो दिन रात हम लोगों के अंतर्गत चलना चाहिए, और आज पर्यावरण दिवस है। आज हम सभी को इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है कि क्या ऐसी भूल हुई या क्या ऐसी भूल हो रही है जिसके चलते कि कहीं ना कहीं हम लोग प्रभावित हो रहे हैं और हमारा पर्यावरण कमज़ोर हो रहा है। उस पर्यावरण के अंग में हमारे बच्चे भी आते हैं, हमारे बुजुर्ग भी आते हैं। बच्चों को भी आगे शिक्षा देनी है कि आप लोग किस तरीके से अपने पर्यावरण को सजोइए, जिससे हमारा पर्यावरण सुंदर हो और आगामी या भविष्य का जो हमारा जीवन है वह अत्यंत सुंदर हो। हमारे बुजुर्ग लोगों के लिए भी मेरा संदेश है, समाज के लिए, कि सभी बुजुर्गों का हम सम्मान करें, और हमको जीवन देने वाले यही बुजुर्ग लोग हैं। इसलिए हमारी दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि इनको पर्यावरण की तरीके से ही सजोएं, जिससे इनके मन में ये आत्मविश्वास रहे, ये भाव रहे, जिन बच्चों को हमने जन्म दिया वो अच्छे हैं और वो हमारे भविष्य को सुरक्षित लेकर चलेंगे। और हमारा विश्व भविष्य में क्या होगा, भविष्य में स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा, लेकिन यदि हम लोगों ने अपने बुजुर्गों का सम्मान करना शुरू कर दिया तो हमारे बुजुर्गों के लिए जीवन ही स्वर्ग हो जाएगा। यही हमारे लिए हमारा सभी को संदेश है कि पर्यावरण का ध्यान दिया जाए, बच्चों को शिक्षा दिया जाए और बुजुर्गों का सम्मान किया जाए। ड्यूटी सर कितना आप समय दे पाते हैं पेड़ पौधों के लिए? ड्यूटी पुलिस विभाग की ऐसी है कि आप नित्य प्रत्येक क्षण आम जनता की सेवा करते हैं, और आम जनता की सेवा करने के साथ साथ ये जो आपके हृदय में संदेश है, ये संदेश अपने आप लोगों तक पहुँचता रहता है। अभी देखिए, मैं अभी ड्यूटी में ही बैठा हूँ, लेकिन माता की भी सेवा हो रही है, ये बच्चे को भी शिक्षा दिया जा रहा है, पर्यावरण भी आसपास मौजूद है। तो हमारा तो ये कहना है कि जब भी मैं 24 घंटे में जब भी ड्यूटी पर रहता हूँ, मेरा इन पर्यावरण के बीच, बुजुर्गों के बीच, युवाओं के बीच, बच्चों के बीच में जीवन रहता है। तो प्रत्येक क्षण इन सभी लोगों के लिए। यही कारण है कि वनों की कटाई के चलते जीव जंतु कम होते चले जाएंगे। डॉक्टर तिवारी पर्यावरण को साफ सुथरा बनाने के लिए प्रयासरत है। उनका कहना है कि पेड़ पौधे जीवन का आधार है और उनकी सेवा भगवान की सच्ची सेवा होती है। इन पेड़ों पर सैकड़ों पक्षी आश्रित पाए जाते हैं,